न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बिहार की महागठबंधन सरकार से इस्तीफा देने वाले मंत्री कार्तिकेय सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। कार्तिकेय सिंह ने कहा कि भूमिहार समुदाय के एक मंत्री को भाजपा बर्दाश्त नहीं कर सकी। वे मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। मैं 28 साल से सरकारी शिक्षक हूं। मैंने इस्तीफा दिया क्योंकि यह सब हमारी सरकार की छवि खराब कर रहा था। उन्हें बुधवार को राज्य के गन्ना उद्योग मंत्री का प्रभार सौंपा गया था। इससे पहले वे कानून मंत्रालय संभालते थे। यूपी सरकार ने सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का आदेश दिया है। इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं। सर्वे 10 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर शामिल रहेंगे। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि मदरसों में मूलभूत सुविधाओं के हालात जाँचने के लिए उनका सर्वे कराने का फैसला किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके डी कंपनी गैंग से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। एनआईए के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का गिरोह हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स और नकली भारतीय नोट की तस्करी के लिए भारत में इकाई की स्थापना करने की कोशिश में लगा है और पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर आतंकी हमले करने की फिराक में है। दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पेश होने के 3 दिन बाद गुरुवार को केजरीवाल सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। सरकार के सपोर्ट में 58 वोट पड़े जबकि विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ। भाजपा ने वोटिंग से वॉकआउट किया। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आपके 62 और भाजपा के 8 विधायक हैं। दिल्ली विधानसभा के इस विशेष सत्र के 5वें दिन कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा भी हुआ, जिसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़ला ने भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। अभिनेत्री प्राची तेहलान और उनके दोस्त रोहित सरोहा की 2 साल पहले हुई शादी टूटने के कगार पर है। प्राची ने दिल्ली पुलिस को अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रशांत विहार थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के साथ प्राची ने एक वीडियो भी थाने में जमा किया है, जिसमें उनके पति कथित रूप से एक अवैध हथियार चलाते देखे जा सकते हैं। प्राची तेहलान ने टीवी सीरियल दिया बाती और हमसे अपनी पहचान बनाई थी और फिर बड़े पर्दे पर अपनी धाक जमाई। इंदौर की एक निजी कंपनी में काम करने वाले 7 कर्मचारियों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। कर्मचारियों ने नौकरी से निकाले जाने के चलते ये कदम उठाया। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद से कंपनी का मालिक रवि बाफना और पुनीत अजमेरा लापता है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में 11वीं कक्षा की छात्रा को गोली मारने के आरोपी अमानत अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि सोशल मीडिया के जरिए आरोपी के संपर्क में आई छात्रा ने आरोपी से बात करना बंद कर दिया था। इसके बाद आरोपी ने अपने सहयोगियों बॉबी और पवन से संपर्क किया। पीड़ित छात्रा जब स्कूल से घर लौट रही थी, तभी आरोपियों ने उसे रास्ते में रोक कर गोली मार दी और फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल छात्रा का बत्रा अस्पताल में इलाज चल रहा है। मशहूर पंजाबी सिंगर निर्वैर सिंह का ऑस्ट्रेलिया में एक खतरनाक सड़क हादसे में निधन हो गया। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि निर्वैर सिंह के परिवार ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। बता दें कि सिंगर निर्वैर सिंह करीब 9 साल पहले ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने के बाद उन्होंने शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। माई टर्न एल्बम का उनका गाना तेरे बिना काफ़ी चर्चित हुआ था। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हताशा में सीएम ने झूठे आरोपों का सहारा लेते हुए मुझ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। आने वाले कुछ दिनों में वो मुझ पर कुछ और आधारहीन आरोप लगाते हैं तो मुझे इस पर हैरानी नहीं होगी, लेकिन उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अपने संवैधानिक कर्तव्यों से विचलित नहीं होऊंगा। झारखंड में सियासी संकट के बीच यूपीए प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात करने राजभवन पहुंचा। यूपीए विधायकों ने राजपाल को पत्र लिखकर उनसे पूछा कि क्या हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बताया कि सीएम इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। राज्यपाल ने कानूनी राय मांगी है और आश्वासन दिया कि 2 दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी।